पक्षी के समान होता है, सुअर की तरह। क्यों? वो सुअर दूसरों के मल मूत्र को अपनी जिह्वा से साफ करता है, वैसे आप लोग भी दूसरों की बुराई करके उनकी बुराइयों को अपने जिह्वा से साफ कर रहे हो, मतलब उनकी बुराइयां अपने सिर पर ले रहे हो। एक संत यज्ञ करते सामने एक वेश्या रहती थी, ध्यान से सुनना, आपके लिए बड़ी काम की चीज है। एक संत यज्ञ हवन कराते और उनके सामने एक वेश्या रहती थी। अब संत हवन करते जाते और वेश्या की तरफ देखते जाते, ये तो नरक में जाएगी, ये बहुत बुरे काम करती है, इसको तो नरक भी नसीब नहीं होगा, ये तो ये करेगी रोज उसके। अब वेश्या का तो कर्म ही यही है, कोई भी लोग आते उसके घर में जाते, रात्रि बिताते, तो संत उसे रोज देखते, ये तो नरक में जाएगी, इसने तो बड़े पाप किए हैं, इसको तो कुछ भी नसीब नहीं होगा, ये तो ऐसे करेगी, ये तो वैसे। हवन कर रहे हैं लेकिन ध्यान किस पर है? वेश्या पर। वो ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही, लेकिन वेश्या तो कुछ भी नहीं कहती। वेश्या को गाली भी देते लेकिन वेश्या हाथ जोड़ लेती। समय आया, वेश्या की मृत्यु हो गई। अब वेश्या की जब मृत्यु हुई और कुछ समय पश्चात संत को एक सामने पत्थर रखा था, उस पत्थर के ठोकर लगी और संत की भी मृत्यु हो गई। संत कुल और वेश्या को जब लेकर गए, और देखो जिस समय वेश्या मरी उस समय भी संत ने कहा ये तो नरक में ही गई होगी, उस समय भी यही कहा। और जब मृत्यु हुई, यमराज के पास गए तो इनकी इच्छा हुई जानने की, मैं देखना चाहता हूँ कि वो वेश्या कहाँ पर गई है। तो दिखाया, यमराज ने कहा वो वेश्या तुम देखना चाहते हो कहाँ गई है? अरे संत, उस वेश्या को तो भगवान का परम धाम वैकुंठ धाम मिला है, भगवान के चरणों में वास मिला है, और मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हें नरक मिलेगा। बोले मैं तो यज्ञ करता, हवन करता, और ये वेश्या इतने गंदे कर्म करती, इससे तो वैकुंठ भगवान के चरणों में वास मिला, और मुझे नरक क्यों मिला? यमराज ने कहा अरे संत, तुम चाहे भगवान का भजन करते रहे, तुम चाहे आहुति देते रहे, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस वेश्या पर ज्यादा रहता था। तुम यही कहते इसके यहाँ तो इतने ग्राहक आते, ये रात बिताती है, ये वो होता है, ये नरक में जाएगी, ऐसे कह कह के तुमने उस वेश्या का सारे पाप खुद पर ले लिए और उस वेश्या के सारे पाप तुमने धो डाले, इसलिए वो वैकुंठ में चली गई। तुम्हारे सारे पुण्य उसके हिस्से में चले गए, उसके सारे पाप तुम्हारे पुण्य तुम्हारे हिस्से में आ गए, और वो चली गई स्वर्ग में, वो चली गई भगवान के चरणों में, और तुम्हें नरक में जाना पड़ा। इसीलिए माताओं, जब आपस में बैठती हो ना, तो इधर उधर की मत करा करो कि माताओं की ज्यादा आदत होती है, वहां तो यूं करे, वहां तो अशा करे, वहां के घर में तो यूं हो, वो तो कदे भी सुखी न रही। अरे आप अपनी सोचो ना, दूसरों से क्या मतलब है? अब मैंने आपको बात बता दी, आप सोच लो नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। बुराई मत करो किसी की। भगवान ने कहा कि जाओ, दुर्योधन से कहा और युधिष्ठिर से कहा, जाओ एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन से कहा और युधिष्ठिर जी से कहा कि जाओ एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दोनों चले गए और दोनों ही खाली हाथ लौटे। भगवान ने कहा युधिष्ठिर, दुर्योधन, तुम दोनों ऐसे ही आ गए, कहाँ है दुर्योधन अच्छा व्यक्ति? दुर्योधन ने कहा प्रभु, मैं पूरे संसार में घूम गया पर मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। युधिष्ठिर से कहा, तुम्हें कोई बुरा व्यक्ति क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा प्रभु, मैं पूरे संसार में घूमा लेकिन मुझे तो मुझसे बुरा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं, मुझे तो मुझसे बुरा कोई मिला ही नहीं, खुद से बुरा कोई नहीं है। नजरिए का फर्क है, जो अच्छा देखता है उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, जो बुरा देखता है उसको पूरी दुनिया बुरी लगती है। इसीलिए आज निर्मत सराणाम सताम, अच्छे कर्म करो, जो द्वेष ईर्ष्या सबको छोड़कर आओ, यहाँ कथा में भी आओ ना, तो संसार की चिंता नहीं कि वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। यहाँ क्या होता है, आकर बैठ गए, और आप लोगों का क्या नियम होता है, एक जगह आज यहाँ बैठ गए तो कल भी यहीं पर बैठना है, और यहाँ पर अगर कोई दूसरी आकर बैठ गई तो आप तो मारी जगह है।